अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और आज हम लोग निकले हुए बाहर घूमने के लिए बच्चों को लेकर आए, क्योंकि उन लोगों से बड़ा प्रॉमिस किया हुआ था हम लोगों ने कि बहुत अच्छे पेपर दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आज बच्चों ने बोला कि आज हमारी जिद पूरी करें, तो हम लोग आए हैं सिंधबाद। और अलादीन जो कि ख़त्म हो चुका है बहुत अरसे में, क्योंकि ये मैं बचपन में आया करती थी और बच्चे जो है ना स्कूलिंग में उनका ट्रिप वगैरह होता है, बच्चे तो आते जाते रहते हैं। तो आज काफ़ी सालों बाद मेरा यहाँ आना हुआ। समझ लें कि मैं 14 ईयर ओल्ड की थी, तब से मैं यहाँ पर जो है ना मैंने आना छोड़ दिया। बचपन में काफ़ी आती थी मैं। तो आज देखते हैं कि आज का इन्वायरमेंट यहाँ का कैसा है और मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। ये देखें हमारे बचपन की यादें सिंधबाद। अच्छा, उस वक्त सिंधबाद ना इतना ज़्यादा यहाँ पर मशहूर नहीं था जितना यहाँ अलादीन बहुत ज़्यादा फेमस था। तो हम लोग अलादीन जाया करते थे और यहाँ बड़ा कम आना होता था। अच्छा जी, सिंधबाद जो है ना बड़ा खूबसूरत सा हो गया अब। ये देखें माशाल्लाह से, अंदर से इधर का इन्वायरमेंट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना लिया है। और ये देखें, आई लव सिंधबाद। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरती है यहाँ पर। और अब हम अंदर जाने लगे और अंदर जाके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरह का है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ तो मुझे खुद एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये हॉन्टेड ट्रेन है यहाँ पर और ये छोटी सी है, ये देख लें। अभी तो खैर ये बंद पड़ी हुई है, मगर ये है बहुत खूबसूरत। आज आपको कितना मज़ा आ रहा है फासिया? कितना? बहुत। हाथों से करके दिखाओ। इतना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और मी सब ना अपने होश आवाज बिल्कुल खत्म कर चुका है यहाँ आके। हाँ हाँ, अभी चल रहे बेटा। ये देखेंगे कितना खूबसूरत सा झूला है माशाल्लाह माशाल्लाह से देखे, मगर मुझे बड़ा डर लगता है काफी इस तरह से चक्कर वक्कर आते हैं। मज़ा आने वाला है। ये लोग जो है ना अब इस इधर बैठने वाले हैं और इनके पापा जो है ना टिकट्स लेने गए हैं और ये सब इमोशनल है, कह रहे हैं हम लोग इधर बैठ जाएंगे क्योंकि छोटा है ना सदीम बहुत ज़्यादा, तो ये कंफर्टेबल रहेगा काफ़ी। हमारे साथ ईमान भी आई है आज। साहब मो साहब जानू, मजा आ रहा है? हाँ मेरी जान। फांसिया मजा आ रहा है आपको देख के? हम लोग जा रहे हैं ड्रैगन जो है एक झूला है उसमें जाके, मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और उसमें बैठेंगे और वो मैं दिखाती हूँ वो किस तरह का खतरनाक सा झूला है। बच्चों को भी बिठा रही हूँ, एंजॉय करते हैं। बैठ तो गए, इसमें बहुत डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कैसा है। ये बहुत जिग-जैग जाने वाला है और बस बहुत पास से अभी शोर मचा रही है काफ़ी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बच्चों ने ज़बरदस्ती बिठा दिया। आप इसमें बैठ जाओ सारे मिल के आराम से। चलो हैप्पी, ठीक है? सतीम छोटे हो अभी, छोटे हो, इनको बस हर झूले में बैठना है। जो झूला चाहिए बस इनको भी चाहिए। ये फांसिया बेचारी जो है ना अकेली बैठ रही है क्योंकि ये थोड़ा सा
हैवी झूला है, ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे तो। जी 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 जी, नहीं आप अभी छोटे छे हो, नहीं आप नहीं बैठोगे अभी। बुरी बात। अब हम लोग वापस रवाना, और सदीम नाराज हो गया है बहुत ज्यादा ना, कहता है वापस क्यों चल रहे हैं, इतने सारे झूले झूले, इन लोगों को तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा घर जाने का, और काफी टाइम हो गया। अब हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया क्या खाएंगे। ये रो रहा है, बहुत रो रहा है। पीछे से देखें कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह, ये देखें बहुत प्यारा सा है, आंखें ठंडी हो गई मेरी तो यहाँ आकर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये देखें ये सिंध बात का, ये पानी किस तरह से, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे बहुत खुश हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब हम लोग जा रहे हैं ना, तो इन लोगों ने बोला बस लास्ट में हमें यहाँ पर जो है ना खड़ा होने दें, चलें आप क्या चलते हैं ना दीमा, बहुत टाइम हो गया बेटा, चलो चलें चलें, पापा वेट कर रहे हैं बेटा। अभी बस हम लोग पहुंचने वाले हैं सदीम, अभी देखो ये देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है, अभी नहीं मेरी जान, अभी देखो सब्र करो, अभी चल रहा है, बस 2 मिनट लगेंगे, पिज्जा पिज्जा खा लेना, सही है। चलो सारे अंदर चलो। अच्छा हम लोग यहाँ पिज्जा मैक्स पे आ गए, बच्चों ने बोला है कि पिज्जा खाना है, बस अब पिज्जा खाने जा रहे हैं। बैठो बैठो सब, अच्छा हम लोग जो है ना यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हैं, और बच्चों का जो है ना मूड पिज्ज़ा खाने का था, तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ पर आ गए, और मेरा मूड तो कुछ और, जैसे बिरयानी राइस वगैरह या काबली पुलाव, ये मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने कहा चले वही खा लेते हैं। हस्बैंड ने कहा नहीं, जो बच्चे बोल रहे हैं बस आज बच्चों का जो है ना आंटी हम लोग कर लेते, मैंने कहा चले ठीक है। तो अभी जो हम लोग पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगा रहे हैं, अब हस्बैंड जो है ना बस पिज़्ज़े का ऑर्डर देने का। चलो जी अभी हम लोगों ने जब चिप्स मंगा लिए, बस ऐसे थोड़ा सा फ्लेवर जब तक पिज़्ज़ा हमारा आता है, हमेशा हम लोग यही करते हैं कुछ रेस्टोरेंट जाते हैं ना कुछ हम लोग पहले मंगा लेते हैं। क्या हुआ दीमा, केचप दे दो इसको। ओए होए होए, ये गरम गरम सा फ्लेवर है, ये क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पास्ता है ये। ओए होए ये मजे का जो है ना बड़ा जबरदस्त टेस्ट लग रहा है। चलें जी पिज्जा भी आ गया आपका, एक ये पिज्जा ऑर्डर किया हम लोगों ने, और दूसरा मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी एक ये पिज्जा है, अब जो है ना इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा पिज्जा है। जी सारा फाइनल हम लोगों ने जो है ना पिज्जा वगैरह खा लिया, टेबल अब जो है ना वाइंड अप हो रही है, और अभी हो रहे हैं 11 बजे का टाइम, और अब हम लोग घर को रवाना हो रहे हैं इंशाल्लाह। फिर कल नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।